शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर, आप देख रहे हैं खबर 7 सी न्यूज चैनल। 20,000 का कर्ज उतारने को 50,000 में बेचा बेटा। अब तक आपने देश में के अन्य राज्यों में इस प्रकार की घटनाओं को सुना होगा, पर देवभूमि उत्तराखंड में भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। एक माँ बाप की क्या मजबूरी रही होगी जिन्हें अपने जिगर के टुकड़े का सौदा करना पड़ा। आइए जानते हैं उत्तराखंड से हमारे संवाददाता तरसेब सिंह तोमर की इस रिपोर्ट में। घटना विकास नगर कोतवाली के बाबूगढ़ क्षेत्र का है। आपको बता दे कि ऑपरेशन से डिलीवरी कराने के लिए कर्ज न चुका पाने पर एक दंपति ने अपने इकलौते बेटे को 50,000 में बेच दिया। एक सेवानिवृत्त फौजी के अविवाहित बेटी ने 2 रुपए के टिकट के साथ कागज पर दंपति की सहमति लेकर यह सौदा किया। हालांकि इसमें रकम का कोई उल्लेख नहीं है। रविवार को पुलिस ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने मौके पर पहुंचकर सौदे को बेपर्दा कर दिया। पुलिस ने बेचा गया बच्चा अपने कब्जे में लेकर उसके माँ बाप के साथ खरीदार युवती और सौदा करने वाले निजी अस्पताल की नर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दिया है। वैसे देर रात सभी को छोड़ दिया गया, पर पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। परविंदर सिंह, कहाँ के आप मतलब रहने वाले हैं? बिजनौर के हैं। बिजनौर के हैं, तो ये जो बच्चा बेचा गया था, ये आपने क्यों इसको बेचा? सर, थोड़ा घर की परेशानी की वजह से, घर में मतलब इतनी समस्या है, बहुत ज्यादा मेरा इतना रोजगार है नहीं। अच्छा, किसी प्रकार कोई काम करता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे वक्त पे पैसा नहीं मिलता। तो ये बच्चा आपने अपने मर्जी से बेचा है? बेचा नहीं है, तो सिर्फ अपने एक तरह से दिया था। दिया था? हाँ जी सर। तो देने के लिए आपने कुछ पेमेंट वगैरह भी ली है इसकी? सर, 50,000 रुपये दिए था। 50,000 रुपये दिए थे? जी सर। अच्छा, तो इस बच्चे को फिर आपने बेच दिया। आपको आपको पता है बच्चा बेचना कितना कानूनी अपराध है? सर, मैं पता है। अच्छा जी सर। तो ये बच्चा आपने, ये जो बिचौली थी, ये कांता नाम की जो लड़की है, इसको लो, इसने क्या आपको मतलब दिखाया इसने, जो आप सर पार्टी तो, इनको नहीं जानता मैं, सिर्फ मेरे वाइफ के साथ संपर्क हुआ था। अच्छा, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो आपने ये जो बच्चा बेचा, आपका कहना ये है कि मेरी गरीबी थी, इस वजह से मैंने बच्चे को बेच दिया 50,000 रुपये में। किसको बेचा आपने, क्या नाम है उनका? सर, की मैडम नहीं, आप मतलब नाम जानती हो? नहीं, मैं उनका नाम। अच्छा, नाम नहीं जानते हो। आपने मतलब किसी का दबाव तो नहीं था या किसी चीज का नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं था? जी सर, दबाव कोई नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। आपका नाम है, कहाँ के आप मतलब रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। पति आपका मतलब बिजनौर का है? जी। अच्छा अच्छा, तो ये बच्चा बेचा गया, ये आपने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया? सर, सिर्फ इसी वजह से जो हमारे पैसों की दिक्कत चल रही थी घर में। पैसों की दिक्कत चल रही थी, इसलिए अच्छी खासी परवरिश नहीं कर पा रहे थे हम। अच्छी खासी परवरिश नहीं एक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने बच्चे को भेज दिया। कितने पैसे लिए आपने? 50,000। 50,000 रुपये लिया आपने? क्या है पूरा मामला सर? इसमें जो है, माँ बाप अपने बच्चों को किसी को सबूत कर उसे बेच रहे थे, हमने मौके पर पकड़ लिया। अभी उनसे पूछताछ चल रही है, उसका मुकदमा कायम किया जा रहा है।